आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे कि ये एरे दिया गया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और के की वैल्यू 1 है, तो इसमें काउंट करना है कि 1 कितने टाइम आया है। जैसे देखिए 1 यहाँ पे आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आउटपुट 6 आ रहा है, यानी के 6 टाइम आ रहा है इस एरे में। तो इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू 0 से इनिशलाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद m में k डाल देंगे, फिर नंबर में 1 डाल देंगे। इस वाइल लूप का रूल ये है, हमें नंबर ये 10 के मल्टीपल के फॉर्म में देगा m टाइम, यानी k की वैल्यू जितनी है उतनी टाइम नंबर हमें 10 के मल्टीपल के फॉर्म में देगा। जैसे k की वैल्यू अगर 1 है, नम की वैल्यू हमें 10 दे देगा, नहीं तो अगर k की वैल्यू 2 है तो नम की वैल्यू हमें 100 दे देगा, और 3 है तो 1000 दे देगा। फिर उसके बाद जब ये लूप चल जाएगा तो हमें नम की वैल्यू मिल जाएगी 10 के मल्टीपल में। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, ये बेस कंडीशन है। अगर k की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि अगर हमें इस एरे में 0 निकालना होगा तो हम हर एक एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स निकाल के चेक करते रहेंगे। जैसे 11 में ये लास्ट इंडेक्स निकालेंगे, क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं, उसके लिए हमें 10 से मॉड करना पड़ेगा। तो ये बेस केस बन जाएगा इसके लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नम में 10 चला जाएगा, और ये कंडीशन स्पेशली 0 के लिए है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे, इसमें 0 से लेके लेस देन एम तक ये लूप चलेगा, और एरे के हर वैल्यू के लिए एक वाइल लूप लगाएंगे, और इसमें कंडीशन चेक करेंगे। अगर जो करंट इंडेक्स का एलिमेंट है, अगर वो मॉड करने पे k के बराबर आता है तो हम एक काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। जैसे k इक्वल टू 1 है तो ये m भी 1 टाइम ही चलेगा, क्योंकि k की वैल्यू ही m में हम डाले हैं। तो ये एक बार 10 का मल्टीप्लाई होके नम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, यानी 10 मॉड इंडेक्स का पहला एलिमेंट 11 है, तो 11 मॉड 10 करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट, इसके मॉड करने पे हमेशा लास्ट वाली डिजिट आती है, तो ये 1 आएगा। क्या 1 इक्वल टू k है और k की वैल्यू भी 1 है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये काउंट एक बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम हर एक एलिमेंट का काउंट निकाल लेंगे, और इस कंडीशन से बाहर आके हम करेंट इंडेक्स की वैल्यू में 10 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमको बची हुई आगे वाली डिजिट मिल जाए। जैसे कि 11 है, तो जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, यानी ये लास्ट वाली डिजिट एलिमिनेट हो जाएगी और ये वाली डिजिट बचेगी, और यही हमारा ए में चला जाएगा। फिर उसके बाद इस लूप से बाहर निकल के हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं।